नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र यादव है। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आपका हमारे सत्यप्रभा फिजियोथेरेपी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग पोजीशन के बारे में। प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो अक्सर वो पूछते हैं कि किस तरह से सोना चाहिए। जनरली वो पेशेंट जिनको नेक पेन होता है, नेक स्पाज़म होता है, किसी तरह का उनको मसल पेन होता है या अपर बैक पेन होता है या फिर उन्हें गिडीनेस होता है, चक्कर आता है, तो ऐसे लोग अक्सर पूछते हैं कि तकिया कैसे यूज करना चाहिए। तो आज मैं आपको आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सोते वक्त किस तरह से आपको किस पोजिशन में तकिया लेना है, यानी पिल्लो किस तरह से यूज करना है सोते वक्त। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जब हम देखेंगे तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, हेड के बाद नेक अंदर की तरफ होता है, स्पाइन जो होता है सर्वाइकल का वो कर्वेचर ऐसा होता है और फिर पीछे से ऊपर की तरफ आता है। तो हमें ये स्पाइन का जो कर्वेचर है इसे भी सोते वक्त मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपको किसी तरह का सर्वाइकल पेन या नेक मसल स्पाज़म नहीं होगा। और इसी तरह से जब हम साइड से देखते हैं तो जो हमारा हेड का पोजीशन है और जो शोल्डर है, इनके बीच में गैप काफी होता है, तो साइड लाइन सोने में भी हमें ये गैप मेंटेन करना है तकिए की हेल्प से, ताकि आपका जो सर्वाइकल का स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि स्ट्रेट सोते हैं, कुछ लोग ऐसे स्ट्रेट सोते हैं, उन्हें किस तरह से पिलो यूज करना चाहिए। अगर हम पिलो नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं तो पिलो ही नहीं यूज करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं हमें डॉक्टर ने तकिया यूज करने के लिए मना किया है, लेकिन आप देखेंगे अगर आप पिलो नहीं यूज करते हो तो ये जो कर्वेचर है यहाँ पे ऐसा गैप रहता है, ये गैप की वजह से हमारे सर्वाइकल स्पाइन पे प्रेशर आता है लॉन्ग टर्म में, और धीरे धीरे हमारा स्पाइन का कर्वेचर जो है वो स्ट्रेट होने लगता है, जिससे लॉस ऑफ लॉर्डोसिस होता है। उसकी वजह से इर्द गिर्द की जो आसपास की मसल्स हैं वो स्पाज़म में चली जाती है, उन्हें पेन होता है। तो जो लोग तकिया नहीं यूज करते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो इस तरह से कुछ रोल करें टर्किश टावेल का, और उसको गैप को आप जितना आपको ठीक लगे उतना गैप को आपको मेंटेन करके इस तरह से सोना है। ठीक है, जो लोग स्ट्रेट सोते हैं अभी ठीक लग रहा है। ओके, कुछ लोगों को आदत होती है थिक पिलो यूज करने की, स्ट्रेट सोने के टाइम पे वो मोटी तकिया लेते हैं जैसा मैंने यहां पे बताया है। तो इससे क्या होता है, नेक का जो स्पाइन है वो ऊपर की तरफ उसका एंगल बढ़ जाता है, और लॉन्ग टर्म में ये हमें तकलीफ देने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, नेक पेन हो सकता है इस तरह से। तो जब आप स्ट्रेट सोते हो तो आपको पतली तकिया यूज करनी है, लगभग इस तरह से यूज करना है, ताकि आपका नेक का पोजीशन स्ट्रेट रहे, आपकी मसल्स रिलैक्स रहे, आपके शोल्डर रिलैक्स रहे। ठीक है, तो स्ट्रेट सोने के टाइम आपको इस तरह से तकिया यूज करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साइड में हम सोते हैं तो कैसे तकिया यूज करना है। आप साइड में सो जाओ। देखिए, अब ये पतली तकिया रख के हम अगर साइड में सोते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक हाथ हमारा इस तरह से जाता है, क्योंकि वो गैप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक हाथ हमारा इस तरह से जाता है। तो जो लोग इस तरह से कम तकिया लेते हैं और इस पोजीशन में सोते हैं, उनके नर्व्स यहां से कंप्रेस होते हैं, और बाद में जब वो उठेंगे तो उनके हाथ में नमनेस, मूंगी या टिंगलिंग नमनेस, झुनझुनी, सुन्नपना आने लगता है, तो हमें ऐसे ऐसे हाथ करके फ्री करना होता है। तो ये पोजीशन सही नहीं है, इसलिए साइड में सोने के समय आपको मोटा पिलो लेना है। देखिए, अभी आप अगर ऐसे सोएंगे तो भी इनका नेक का जो स्पाइन का एंगल है वो नीचे की तरफ है, तो हमें क्या करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, वो गैप को शोल्डर से लेके नेक तक का गैप को पूरा करना है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि ये पिलो के साथ मैं अगर ऐसे साइड में पिलो दूं तो ये पोजीशन कैसा है, अच्छा लग रहा है? हाँ, तो ये पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल है। अब ऐसे साइड में सोने के टाइम थिक पिलो यूज करने से क्या होता है, हमारी नेक मसल्स रिलैक्स रहती हैं, शोल्डर मसल्स रिलैक्स रहती हैं, साथ ही हमारा जो गैप था कान से लेके शोल्डर तक का वो गैप मेंटेन रहता है, और हमारे हाथ सोने का पोजीशन ऐसे रहेगा या आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, बट आप देखेंगे कि आपका हाथ आपके नेक के नीचे नहीं जाएगा। तो साइड लाइन में सोने के समय आपको इस तरह से मोटी तकिया या थिक तकिया यूज करनी है। स्लीपिंग पोजीशन में अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट के लिए, या जिन लोगों को शोल्डर पेन होता है। अगर जिनको शोल्डर पेन है, पहली बात उनको उस तरफ नहीं सोना है जिस तरफ पेन है। फॉर एग्जाम्पल, इनको लेफ्ट हैंड में, समझो लेफ्ट शोल्डर में पेन है, तो ये पोजीशन में सोना है, लेकिन इस पोजीशन में भी हाथ नीचे की तरफ खींचा हुआ होगा, तो रात भर इस मसल्स पे, शोल्डर मसल्स पे प्रेशर आएगा,
खींच के रहेगी और सवेरे उठने के बाद आसपास की मसल्स में पेन हो सकता है और स्पाजम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, फ्रोजन शोल्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें अफेक्टेड जो शोल्डर है उसे ऊपर की तरफ रखना है और इसको आपको क्या करना है, ऐसे कुछ रोल हाथ के नीचे रखना है ताकि हाथ रिलैक्स रहे इस तरह से। अगर अभी भी लग रहा है कि ये कम है तो आप और एक पिलो इस तरह से रख के आप ऐसे सो सकते हैं। जब आप इस तरह से सोते हो तो आपको अच्छी नींद आती है, सवेरे उठेंगे तो शोल्डर में पेन भी नहीं होगा। और साइड लाइन में सोते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि पिलो का जो साइज है वो ठीक होना चाहिए ताकि आपका गैप मेंटेन रहे, ठीक है। और जो फ्रोजन शोल्डर के लोग अगर स्ट्रेट सोते हैं तो जैसा हमने बताया स्ट्रेट सोने के टाइम पिलो कैसे यूज करना है वैसे ही सोना है। तो इस तरह से ये स्लीपिंग पोजिशन में हमें पिलो यूज करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से स्लीपिंग पोजिशन में पिल्लो यूज करना है, किस तरीके से सही तरीके से तकिया यूज करना है। अगर इस तरह से आप तकिया यूज करेंगे सोने के वक्त तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नेक पेन नहीं होगा, अपर बैक पेन नहीं होगा, गिडीनेस नहीं होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये स्लीपिंग पोजिशन को आप लोग फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।